خمسة معفي بها حر البباء الحاتمة المصطفى بل المنتزى ضرناهما بل الفاتمة بعد الصلاة وجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو और साथियों बिलखसूस आलिम नबी फाजिल जलील आलिम बाबर ऐकरे खुलूस व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी आशिक़ अली सुल्तानी साहिब इमाम व ख़तीब दामे मस्जिद आज़ा जितने भी आबाद तशरीफ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमारा बख्शा आपको बरकत कबूल फरमाए और आप ध्यान करने और आप सुन सुना कर हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबुव्वत के हवाले से चंद एक बातें आप आबाद के गोश गुजार करनी है। जो आया मुकदस ने तिलावत की है इसमें फरमाने हजरत खलाक कायनात है कि मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सिर्फ इस हिस्से पर पहले बात करना मैं जरूरी समझता हूँ। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। सात से आठ मिनट है, ये थोड़े से मुश्किल है, ये एक मसला है क्योंकि आयत पढ़ देना तर्जुमा करना थोड़ा आसान होता है, रवायात पढ़ देना ये भी आसान होता है, मसला समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आसान और आम फहम लफ्जों में ये आपको समझाऊं। ये अल्लाह का कुरान है, इसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और आदिसे सहीहा आदिसे मुतवातरा इस बात पर सही आदिस मौजूद है कि हजूर के बेटे थे। कुरान कहता है कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आदीस कहती है कि हजूर के बेटे थे।
उनके नाम इस्माइल मुबारक का रवायात में कुतुबे तवारीख में मौजूद है। अब आम फार भाषा जो है वो बिल्कुल सादा बंदा ये बात सुनकर, क्योंकि जब मुनकरीन खत्म नबूवत इस तरह लोगों को झांसे में लाते हैं और गिरावट में लाते हैं, तो सादा बंदा परेशान हो जाता है। एक तरफ कुरान है और दूसरी तरफ हदीस है। कुरान कहता है कि वो किसी मर्द के बाप नहीं, हदीस कहती है कि उनके बेटे थे। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो फिर मैं अगले समझाने में जरा आसानी महसूस करूंगा। असल मसला ये है कि कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के भी बाप नहीं। कुरान ने कहा है कि किसी मर्द के बाप, मर्द के बाप, हुजूर के बेटे थे, इसमें कोई शक नहीं, सो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हकीकत है कि उनमें से मर्द बना कोई नहीं। समझ रहे अब बात, बेटे थे लेकिन बचपन में सन्ने सिगर ही में उनका विसाल हुआ, वो मर्द बने नहीं। ये एक बड़ी खास बात है, यहां तक समझेंगे तो भी समझनी आसान होगी। क्यों? कि जब मर्द बनाने ही नहीं थे तो बेटे दिए क्यों अल्लाह? जब वापस ही ले लेने थे तो बेटे दिए क्यों? ये एक बड़ी खास बात है। अगर बेटे होते ही ना, सिर्फ बेटियां ही होती हैं, तो फिर महबूब की इज्जत पर हर पाना था। क्यों? मेरे आका का कोई दुश्मन, दीन का कोई दुश्मन, एक बार मलाह कह सकता था कि माजल्ला सुना माजल्ला। हजूर में वो कैपेसिटी और वो सलाहियत नहीं है जिसके साथ बेटे पैदा किए जाते हैं। एक फिजिकल मसला है, पॉइंट है कि कुछ हार्मोन होते हैं मर्द में जो गालिब आते हैं तो बेटे की विलादत होती है। तो कोई ये ना कह सके कि हुजूर बेटा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए उन काफिरों का मुंह बंद करने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को बेटे दिए। यहां तक समझे तो अगली बात ज्यादा तो कमजोर है। अच्छा, जब देख लिए फिर जवान को भी होने, इसमें भी एक हिम्मत है। अगर जवान हो जाते तो फिर दो सूरते थे, या नबी होते या नबी ना होते, दो सूरते थी ना, या गैर नबी होते या नबी हो जाते। अच्छा, अगर नबी ना होते फिर एक मसला था कि हुजूर से पहले कई अंबिया से गुजरे हैं जो खुद भी नबी थे, उनके बेटे भी नबी थे, बाप भी नबी बेटे भी नबी। असल हजरत इब्राहिम है, खुद भी नबी है, उनके बेटे हजरत इस्माइल को नबी, हजरत इसहाक खुद भी नबी है, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी नबी है, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद भी नबी है, उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी है। तो फरमाया पहले नबियों को नबूवत दूं और फिर उनके बेटों को भी नबूवत दूं। इब्राहिम के बेटे इस्माइल को नबी हो जाए, इसहाक के बेटे याकूब को नबी हो जाए, याकूब के बेटे यूसुफ को नबी हो जाए, दाऊद के बेटे सुलेमान को नबी हो, लेकिन मोहम्मद के बेटे इब्राहिम नबी ना हो, तो फिर महबूब की महबूबियत में फर्क आता है। समझे जरा इस बात को, उनको बेटे दे दिए, उनको नबूवत भी दे दी, इनको बेटे दूं जवान हो फिर नबी ना बनाऊं, तो फिर महबूब की महबूबियत पे लोग शक करेंगे। इसलिए बेटे दिए भी, फिर जवान इसलिए नहीं होने दिए कि जब नबी हो जाए फिर भी मसला है। हुजूर की खातमियत की वो जो मोहर है वो टूट जाती है। अल्लाह कहा था कि इनके बाद नबी है कोई नहीं, इसलिए फरमाया कि ऐ मलकुल मौत जा,
जाकर मेरे महबूब के देखे इब्राहिम बिन मोहम्मद की जान निकाल दे। ये हकीकत है कि हजूर बड़ा रोए, इतना रोए कि हजूर की दाढ़ी मुबारक पर हो गई और आंसुओं के कतरे जमीन पर गिरे। हमारे इस महबूब को तो तिनका भी चुभे तो हमें कबूल नहीं, लेकिन ये मसला ऐसा है कि महबूब रोए ये भी कबूल है, महबूब वक्ती तौर बाहर परेशान हो जाए ये भी कबूल है, लेकिन किसी सूरत में भी नबी के हमारे इस नबी महबूब के बाद कोई नबी आए ये किसी सूरत में हो। यहाँ तक आपको बात समझ आई है तो ये बात समझने में आपको आसानी होगी कि मसला है खत्म नबूवत की हसासियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मसले में सबसे पहले हजूर के बेटे कुर्बान हुए। ये जुमला का खास हमारा इस मसले में इस मसले को हजूर की नबूवत बचाने के लिए खात्मीयत बचाने के लिए हजूर ने पहले अपने बेटे कुर्बान किए। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हाशमी होने के बावजूद, मुत्तलबी होने के बावजूद, कुरैशी होने के बावजूद, खून रसूल होने के बावजूद सैयदा कैलाश सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने आगे भाई होने के बावजूद, हजरत इमाम हसन हुसैन के मामू होने के बावजूद, खूने रसूल होने के बावजूद अगर हजूर के बेटे इस मसले में जान दे सकते हैं तो फिर हमारी जानों की क्या सियत है इस मसले में। बात मैंने कोशिश की है कि जितनी आसान हो सके उतनी आसान करके समझा। इस मसले पर सबसे पहले हजूर ने अपने बेटे कुर्बान किए, अगर वो कुर्बान हो सकते हैं तो आज हम भी कुर्बान किसी सूरत भी हो सकते हैं। ये था पुराने पाक की इस आयत का जितना आसान फॉर्म हो सका मैंने एक नुक्ता बयान कर दिया। अब आइए हदीस मुबारक की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक जो खत्म नबूवत के मौजू पर है इनकी तादाद 200 है। 200 अहादीस हुजूर ने अपनी जुबान अक्दस से इजाद फरमाई कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। वो 200 तकरार के साथ है, अगर तकरार नकार भी दिया जाए ना फिर भी 50 हदीसें मौजूद है बगैर तकरार के जो खातमियत है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। हदीस तो एक भी हो हुजूर का एक फरमान भी मुंह से निकला हुआ हो तो फरमान तो हुजूर का वो है जो निकल का बाद में है, फरमान कहलवाने वाला पहले याद करता है नज भी जाफवा भाई भेज के आप रसूल थे आके मेरा हदीस हिला दे ना वो रब को तो दीवाने हम बोल रहे कि भेज दे ने मुस्तफा ने। वो तो एक फरमान हो उसका मूल कोई नहीं तो यहाँ 50 है बगैर तकरार के साथ तो 200 है। हुजूर तो एक फरमान है मेरे नबी की जुबान मेरे वास्ते कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है इसकी रिवायत नंबर 4 है और सफर नंबर 167 सरकार फरमाते हैं आला इन्नी इंदल्लाही लखातमुन नबीजी व इन्ना आलमा लहुम जलिलुम फी तीनतिही। हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी उनकी मट्टी के दरमियान ढूंढा जा रहा था, मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में खातमुन नबीयीन लिख दिया था। वहां उस वक्त ये फैसला हो चुका था कि मेरे बाद नबी कायनात में नहीं आएगा। नबी आएगा ये भी एक मसला है। बंदे कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम नबी हैं और वो नबी बन कर नहीं आए,
ये बड़ा खास और बड़ा बारीक नुकता है जो समझने में हमारे मुसलमान जो हैं ये भी मसला खराब कर देता है। कहते वो नबी बनकर नहीं आए ईसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम नबी बनकर आए थे, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा ये कहता है ना कि हुजूर हजरत ईसा अलैहि सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे, उसके साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं, ये बात समझे। क्योंकि आप लोग बात कर जाते हैं, बाद में जवाब हमें देना पड़ता है। ये नबूवत है, ये कोई सेनेट की सीट नहीं है जो अल्लाह वापस ले लेता है। एक बार जब नबूवत ईसा अलैहि सलाम को मिल गई तो क्या आप नबूवत वापस ले ली जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। ये बड़ी खास बात, ये नबूवत है भाई, ये 5 साल का हुकूमत नहीं जो जब चाह वापस ले ली, जब चाह दे दी। जिसे एक बार दे दी उसे कयामत तक और कयामत के बाद जन्नत में जाने तक और वहां रहने तक हमेशा वापस नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये बात करते हुए एहतियात किया करें कि हजरत ईसा अलैहि सलाम नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे। नबी वो होंगे लेकिन नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे। हुजूर के बाद जिसे बेअसद कहा जाता है, बेअसद किसी के नहीं, नबी वो होंगे। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद कयामत आ जाएगी, ला नबी अबादी, मेरे बाद कयामत आ जाएगी लेकिन कोई नबूवत का दावा करने वाला सच्चा नहीं आएगा। झूठे आ जाए तो और बात है, सच्ची नबूवत का दावा भी नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौजूद कबीर है और हजरत नंबर आपका सफर नंबर 136 है। हुजूर फरमाते हैं या अय्युहन नास ला नबी अबादी वला उम्मत बादुकुम, फरमाया कि लोगों जैसे मेरे बाद कयामत तक नबी कोई नहीं ना, ऐसे ही तुम्हारे बाद कयामत तक उम्मत और कोई नहीं आएगी। यानी मैं नबियों में सबसे आखिर हूं और तुम उम्मतों में सबसे आखिर आए। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे, अल्लाह हुजूर को फरमाता है कि महबूब हमने ऐसा पल्ला झाड़ देते हैं आपको आखिर में भेज कर, पता है लाटला जो होता है सबसे आखिर में, तो कोई चीज अगर बची भी हो तो माँ कपड़ा झाड़ देती है, कोना जिसे कहते हैं झाड़ लिया होता है वो कभी हर है, तो अगर हो भी तो वो झाड़ती जाती जहाँ तो है कोई नहीं। तो अल्लाह ने पल्ले झाड़ती ही हुए हैं हुजूर को नबूवत देने के बाद, पल्ला झाड़ के हुजूर को अल्लाह ने फरमाया जा महबूब तेरे बाद और कोई नबी नहीं बनेगा, नबी बनेगा कोई नहीं, ये लफ्ज खास नबी बनेगा कोई। हुजूर फरमाते हैं ये भी मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल है और इसका बाप फजाइल साहब है। हुजूर फरमाते हैं या अली जो अंता मिन्नी बिमंजिला कि हारून मूसा इल्ला अन्नहु लैसा बादी नबीयुन, फरमाया ऐ अली तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए हजरत हारून है, भाई थे ना उनके, खलीफा भी थे, वजीर भी थे। तो फरमाया तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए हजरत हारून है। तो जब बंदों ने सुना तो खलस पैदा होने लगी थी कि वो तो नबी थे हजरत मूसा और उनके बाद हजरत हारून भाई होने के बाद भी नबी बने। हुजूर ने कहा लेकिन अली तू भी ये बात याद रखना इल्ला अन्नहु लैसा बादी नबीयुन, लेकिन याद रखना मेरे बाद नबी और कोई नहीं आएगा। तू भी आसमी होने के बावजूद, मुत्तलबी होने के बावजूद ये ना सोचना कि मेरे बाद कोई नबी बन जाए। अगर होना भी होता फिर फर्ज बफर्ज महाल, अगर होना भी होता तो अली मौजूद नहीं थे, हजरत उमर फारूक मौजूद नहीं थे, फरमाया अगर मेरे पास होता तो वो सारी क्वालिटीज जो एक नबी में होती हैं, वो सारी क्वालिटियां वो सारी सलाहियतें उमर बिन खत्ताब में हैं, लेकिन उमर तू भी याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं आए बनेगा। यानी वो उमर जिन्हें हुजूर खुद फरमाते हैं उमर तेरी जुबान पर हाथ लगाने जा रही है, वो उमर हजरत अली मुर्तजा जिनकी शान में फरमाते हैं कि कुन्ना नतहद्दसु अन्ना मलकन यंतिकु अला लिसान उमर
हम तो हजरत उमर की तकरीर सुनकर ये आपस में बातें करते थे, यार लगता है जुबान उमर की है, ऊपर तकरीर कोई फरिश्ता कर रहा है। वो उमर जिनके आदाब पे शायदा सकर अदालत कहते हैं, वो उमर जिसके आदाब पे शायदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी की जो शाने खिलाफत पे लाखों सलाम है। वो उमर जो हजूर के ससुर है वो नबी ने बन सकते, वो उमर जो इज्जत इस्लाम है, इस्लाम के दस्तार है हजरत उमर बिन खत्ताब, वो नबी ने बन सकते। जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा है वो नबी नहीं बन सकते, वो अली उमर तजा की शहजत उदा है, मुश्किल कुशा है, हालत रवा है, ताजदारे को तफा है, मुतलबी है, हाशमी है, कुरैशी है, खून रसूल है, पाक मां के पाक बेटे हैं। मैं जुमला को मजाक करने लगा, मुझे वैसे भी कभी झिझक नहीं महसूस हुई, और ये तो मसला ही ऐसा कि इसमें जो थोड़ी सी नजर भी दिखाई मैं समझता हूँ उसका ईमान कमजोर है। जब अली मुर्तजा जैसा शेर खुदा जैसा मुस्लिम कुशा जैसा हाजत रवा जैसा पाक माँ का पाक बेटा नबी नहीं बन सकता, आज किसी घसीटी माँ का गंदी गली के सबसे गंदे गटर की बीती हुई गंदी कुतिया का काना और अल्लाह बेटा ये कहां नबी बन सकता है। अगर आप सुभानअल्लाह इस बात पर आज तक कहेंगे तो मुझे आपका इशाक होगा, ये मसला ऐसा है, ये ईमान का मसला है। वो नेक होकर पाक होकर जिसकी नजर यहाँ पर खड़े होकर अर्श पर चली जाए, ये मसला है ऐसा, मुझे जिद करनी पा रही है, मुझे पता है ये दर्स है, लेकिन ये मसला ऐसा है कि वो अली जो नीचे खड़े होकर सातों आसमान देख लेते हैं, जिसकी नजर का ये कमाल है, जिसकी नजर आप भी उलमा फरमाते हैं सैयद की एक निशानियों में से एक निशानी ये है, तो उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती है। क्यों? तो उसकी हजरत अली की आंखों पर हुजूर ने नौके दाग लगाया था। कितनी साफ आंखों वाला कभी नहीं बन सकता, अंधी आंखों वाला काना कहां से नबी बन जाएगा। ये जो बंदे मुस्कुराते हैं मुझे फख्र है इन पर, इन नौजवानों पर, इस मसले में नबी कोई नहीं बन सकता, ये बात क्लियर है। हुजूर फरमाते हैं खुद दिल तो अलग अपनी आय में सिद्ध मुस्लिम शरीफ की रिसो बार का खुद दिल तो अलग अपनी आय में सिद्ध होती तो जवान याद का नहीं और उसे तो भी रो भी وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ختم نبوت کی دلیل خود حضور ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مجھے چھ چیزیں وہ عطا کی گئی جو میرے پہلے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی کیا فرمایا اوتی تو جواب کی انکاری میں مجھے وہ باتیں عطا کی گئی کہ میں بات ایک کرتا ہوں اس کے مطلب ہزار نکل آتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں قبلہ تشریف فرمایا فرماتے ہیں حضور کے فرمان کی تعداد 50,000 سے تکرار نکالے تو حدیث کی تعداد 50,000 سے زائد ہے، لیکن حضور اگر صرف تین باتیں اپنی زندگی میں کر دے، اگر صرف تین باتیں اس سے آگے وہ کلام نہ کرتے تو آج کائنات میں جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے ہم ان تین باتوں سے نکال دیں گے۔ کتنے جواب و کلام ہیں جو بات ہے کرتے ہیں مطلب ہزار نکل، اور فرمایا اللہ دیا گنا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو ادا کیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، اور میرا قدم لگا تھا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پاک کر دیا۔ اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ، پانچ کی بات حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ حضور
में मुझे कुल कायनात के लिए नबी बना कर भेजा। और साहब वो फरमाते हैं मुसीबत तो देर रो भी अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, मेरा रोब है। एक होता है डर, एक होता है रोब। आज स्कूल कॉलेज में आप भी पढ़ते रहे हैं, हम भी जाते रहे हैं, जो डर होता है वो चीज होती है। टीचर मारता पड़ा उसका डर होता है, वो जब क्लास में आ जाता है तो बंदे उसके बच्चे उसके डर से चुप करते हैं। एक टीचर होता है जिसका रोब होता है जो मारता भी नहीं, टीचर ऐसे होते हैं जो मारते नहीं, प्यार ही इतना करते हैं कि उनसे लोग उनके रोब में दब जाते हैं बच्चे। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे अल्लाह ने मेरी मदद सख्ती के साथ की, नहीं, हमने रोब के साथ किया, मेरा रोब है। लेकिन अगर हुजूर के सामने वो बंदा खड़ा होता तो हुजूर के सामने छोटा ही लगता है। ये रोब है ना हुजूर के सामने हो चुका। और हुजूर ने छठी बात फरमाई, मेरे बाद खुतिमा बिजन नबी जो मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाकर नबूवत का दरवाजा बंद फरमाया। नबी कोई नहीं होता। तकरीबन मैंने छह हदीस आपको सुना दी। एक और बात सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, वल्लजीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, के महबूब को लोग बड़े अच्छे हैं, मुत्तकीन हैं, और जो आप पर ईमान रखते हैं और उस पर ईमान रखते हैं जो हमने नाजिल किया आपसे पहले, जो हमने आपसे पहले नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आप पर नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं। अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता बनना होता अल्लाह ये जरूर फरमाता कि जो आपसे पहले मिन कबल था वो मिन बाद था, आपके बाद भी। देखे ना कयामत का दिन है, आसान आसान दलील सुन, सीना ठंडा हो सकता। अगर नबी होता हुजूर के बाद कोई तो कयामत का मंजर है, सारे लोग हजरत याकूब अलैहि सलाम के पास गए, हजरत आदम अलैहि सलाम कहते हैं जाओ किसी और के पास, चीस अलैहि सलाम के पास गए, मूसा अलैहि सलाम के पास गए, इब्राहिम अलैहि सलाम के पास गए, बहुत मुख्तसर करा, यूसुफ अलैहि सलाम के पास, याकूब अलैहि सलाम के पास, ज़करिया अलैहि सलाम के पास, यहया अलैहि सलाम के पास, सबके पास गए, सब ने क्या कहा जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। अगर हुजूर के पास कोई नबी होता तो जब सारी कायनात सारे अंबिया से फिर कर ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, अल्लाह कहते हैं ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो कहा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में अज्जा तुम्हारे लिए, हम आए कहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, शाने मुस्तफा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मैं शुरू कर दूं तो फिर वो बात ही कुछ और, कहते हैं फरिश्ते खिदम रसूले हिसम तमाम उमम गुलाम करम गुरु आलम परुसा खिदम जहां में आईना तुम्हारे लिए रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सीमा को समक माशिया निशा तुम्हारे लिए, वो कंजे नहा ये नूरे फिशा वो कंजे आया ये बागे फिगा ये हर पन्नो जान ये हर पन्नो जान ये सारा समा ये बागे जिना तुम्हारे लिए, जहूरे नहा तियामे जहां रुकुए महा सुदूदे शहा रुकुए महा सुदूदे शहा नमाज़ सा में जब पढ़ाई तो भी और रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसे इमाम हो तो इमाम ऐसा रुकुए वहां सुजूदे शहां नियाज़े यहां नमाज़े वहां ये किसके लिए हां
तुम्हारे लिए ये शम्स कमर ये शम्स हर ये बल्गो सजर ये ताजो कमर ये ताजो कमर ये तैगो सिमर है ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए अता है अरब जिलाए अरब फुलूद अजब बगैर तलब तेरा हुक्म रब है इसके सबब तेरे जहां तुम्हारे लिए सबाब चले बाग भले धूम खिले दिन हो भले ये वाक्य तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे माशाल्लाह। हर चीज हुजूर के लिए, अगर कोई और होता तो समझने वाली बात, अगर कोई और होता जब इतने अंबिया कह रहे हैं जाओ किसी और के पास जाओ किसी और के पास जाओ किसी और के पास, अगर हुजूर के पास होता तो हुजूर भी तो फरमाते ना फिर तुम जाओ किसी और के पास ना, हुजूर वहीं पर खड़े होकर सर सजदे में रखें मुनादार जो महशर में फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ ये सरकार कहेंगे सर सजदे में होगा खुल जाएंगे हुजूर से गुनाहगार की बख्शिश का वो इसरार करेंगे घबराओ ना महबूब ये मुजदा सुना दो जो कह दोगे वही अभी याद करेंगे ये क्या तो हजब तो तेरे दुश्मन के लिए है तेरे चाहने वालों से अगर हुजूर के बाद कोई होता तो वो कहते ना जाओ किसी और के पास हुजूर कहेंगे नहीं अब जाना किसी को आना आना हाँ मैं उन सब के लिए मैं तो हूँ सारे अंबिया उनके पास जाएंगे सारे रसूल उनके पास जाएंगे उलुल अज़म रसूल उनके पास जाएंगे सारे गौस कुतुब अब्दाल अतार सब उनके पास जाएंगे अब वो किसी और के पास नहीं जाएंगे तो सीधा आपके पास है यानी उनके बाद सिर्फ रब ही आएंगे उनके बाद और नबी कोई एक मसला ये भी आखिरी बात है जेल में रखी कादियानी हो कादियानियों के हामी हो सारे पक्के काफिर है इनकी मायत कर देना ये अल्लाह की तरफ से नहीं कहते ये मसला बात है क्योंकि जब एक पलीत चीज होती है ना तो जो उससे ताल्लुक रखता है वो भी पलीत होता है जो फरमाते हैं लाला और खबरा बल नहीं सर ला मुस्लिम सी है ये तो फरमाते हैं लाल अल्लाह और खमरा वल मैसर व साफीहा व बाईहा व मुत्ताईहा व आसीहा व मुहतसरीहा व हामीहा व मखूलत अलैहा तो फरमाते हैं अल्लाह ने जब शराब पर लानत की ना तो इसे बेचने वाले पर भी लानत इसे खरीदने वाले पर भी लानत इसे बनाने वाले पर भी लानत इसे पीने वाले पर भी लानत इसको लाने वाले पर भी लानत जिसके लिए लाई है उसके उस पर भी लानत इसे निचोड़ने वाले पर भी लानत क्योंकि ये खुद लानती है जो जो इसके ताबू में अपना किरदार अदा करेगा चाहे पिएगा चाहे उठाएगा चाहे लाएगा चाहे बेचेगा तो वो सारे सारे लानती हो जाएंगे लेकिन ये बात पक्की है शराब से भी ज्यादा पलीत है ये कादियानी शराब तो खराब ही है पेशाब से भी ज्यादा पलीद है क्या ख्याल तो जो इनका हामी हो उस पर भी ये आपने मेरे साथ कहा तो मुझे मुकम्मल हो गया कादियानियों पर इनके हामियों पर इनको बहन भाई कहने वालों पर इनको छुट्टियां देने वालों पर इनको छूटे देने वालों पर इनको सहूलतें देने वालों पर इनसे मोहब्बत करने वालों पर इनको अपना कहने वालों पर इनको मुसलमान कहने वालों पर क्योंकि अगर शराब पर लानत है ना तो सात आठ बंदों पर और हो गई है अगर कादियानी काफिर है तो जो इनकी हिमायत करे फिर वो भी मुसलमान हो सकता है जितना मुमकिन हुआ मुझे इनको बातें करती हैं समझने वाली बात जो है वो ये है कि मैं सारी रिवीजन कर देने लगा कि जोर के बाद नबी होता तो अगर बनना होता ये नहीं कहना कि है तो है सही ईसा अलैहि सलाम नबी है ये लफ्ज बोलते हो बड़ा ख्याल करना है आप कभी भी किसी के सामने ये लफ्ज नहीं कहना कि नबी कोई नहीं आएगा या वो नबी बनकर नहीं आए वो बनकर ही आएंगे नबी बनकर आएंगे लेकिन बेसत का दावा नहीं करें दूसरी बात यह समझनी है अगर नबी होता तो पहले बने थे पाक अस्थियां बनी थी कानों को नबी बनने की जरूरत क्या थी अगर होता तो तीसरी बात यह समझनी है अगर नबी होता हुजूर के बाद तो हुजूर कयामत के दिन अपने बात क्या कहते फलाह के पास ये सबसे साफ बात सबसे पक्की दलील ये
अगर होता तो जरूर फरमाते जाओ किसी और के पास, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुख्तसर आज़मी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। सलाम तौफीक की इल्ला बिल्लाह। सूरह फातिहा है। Thank you.